इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के बारे में, ठीक है। 4 का भी मैंने बताया था आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। आप लोग कर सकते हैं इसको, और राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही दिया गया है, ठीक है। मैं करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या? स्टार्ट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट की बात करते हैं। जैसे कि आप 99, 99 ये लास्ट नंबर होता है 2 डिजिट का, ठीक है। अब जैसे ही हम क्रॉस करेंगे इसको तो आएगा 100, ठीक है। तो 100 3 डिजिट का स्टार्टिंग, जो 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से। इसका मतलब जहां से स्टार्ट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। अब जैसे ये 99 पे खत्म होता है 2 डिजिट का, उसी उसी तरह से 999 पे क्या खत्म होता है? 3 डिजिट का नंबर। इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट का? 999। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कितना हो जाएगा? 999, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए और 5 का बी हो गया। 5 का ए बी कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट लिखते हैं, पढ़ा दोनों। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड ग्रेट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो जैसे मैंने बोला ये 3 डिजिट का लास्ट नंबर है, अब इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? 1000। तो 1000 क्या हो जाएगा? 1000 से हमारा 4 डिजिट का नंबर स्टार्ट होना हो जाता है, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर 1000 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है? 1000, ठीक है, 1000। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है? 9999, ठीक है, ओके। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की बात किया है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद करोगे, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में टिक द नंबर इन विच 8 हैज, क्या दिख रहा है? फोकस, छोड़ना दो उसे, कुछ मत समझ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में टिक द नंबर इन विच 8 हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसमें आपको टिक करना है कि 8 का ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 8 का ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है। आप इसमें देखिए 8, 82, 82, 870, उसके बाद 4000, 893 एंड 8001। देखो इसका अगर प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा? 8। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? 80, ठीक है, ये प्लेस वैल्यू है, ठीक है। अब क्या आएगा इसका? 8 का आपको निकालते हैं तो क्या आएगा? 800। इसका भी क्या आएगा? एक बार फिर से देखिए, 8 का क्या होगा? 8, यहाँ पे 8 का क्या होगा? 80, ठीक है, यहाँ पे 8 का क्या होगा? 800, क्योंकि इसके आगे 2 डिजिट है, 8 के बाद 2 डिजिट, 2 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? 8 का 800 होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 का क्या होगा? 8000, ठीक है,
अंडरस्टूड। तो बोल रहा है कि इसमें टिक द नंबर इन विच एट हैज ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। तो एट का ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू कहाँ आया? हमारा इस नंबर में आया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सी द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। ए यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1010 है, ठीक है, यहाँ पे 10020 है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न को देखना है और जो मिसिंग नंबर्स है उसको फिल करना है। मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आपके बुक में बॉक्स दिया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000, 1010, 1020, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, ठीक है। पैटर्न को देखना है कि पैटर्न में क्या हो रहा है। यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 10, यानी कि पैटर्न में प्लस 10 कर रहा है, ठीक है। 1000 में आपने प्लस 10 किया, कितना आया? 1010 आया। फिर आप इसमें प्लस 10 करोगे कितना आ जाएगा? 1 + 10 करोगे तो 1020 आ जाएगा। इसका मतलब सब पैटर्न में प्लस 10 करिए और जो ब्लैंक है उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, ठीक है। पैटर्न को देखना है और नंबर्स आगे फिल करना है, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं उसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। ओके, थैंक यू।